चलो भाई आजा संडास दिखाता हूँ। जरा अभी सुनिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में जो ब्रिज गिरा उस पर क्या कहा था। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अभी बदला था भाई, अभी बदला। मैं गुजरात के हादसे मोरबी में जो झूल तो पुल मौत का झूला बन गया, 136 लोगों की जान चली गई, निर्दोष लोग। आज से 5 दिन पहले 26 अक्टूबर को गुजराती नए साल के मौके पर इस पुल को खोला गया। बाकायदा मरम्मत के बाद मार्च में इस पुल के रख रखाव का जिम्मा एक कंपनी को दे दिया गया। कंपनी का नाम ओरेवा और ये अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक फर्म है। अजंता मैन्युफैक्चरिंग, घर पर आप वो वॉल क्लॉक लगाते होगे ना, अजंता ज्यादातर घरों में दिखेगा। घड़ी बनाने वाली कंपनी है ये। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और लाइटिंग इक्विपमेंट भी बनाती है, बल्ब, CFL। पुल का जिम्मा दे दिया गया रख रखाव का 15 साल के लिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और गुजराती नए साल के मौके पर इसे खोल दिया गया सैलानियों के लिए। यह पर्यटक स्थल है, गुजरात टूरिज्म की साइट पर बाकायदा इसका जिक्र है कि आइए लुत्फ लीजिए झूल तो पुल का। मोरबी म्यूनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर जो हैं संदीप सिंह जाला, वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं ये पुल मोरबी म्यूनिसिपैलिटी की संपत्ति है। अच्छा, यानी कि पुल म्यूनिसिपैलिटी का है ये माना जा रहा है। लेकिन हमने कुछ महीने पहले मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए इसे ओरेवा ग्रुप को 15 साल के लिए दे दिया, 2037 तक के लिए। हालांकि प्राइवेट फर्म ने हमें बिना बताए ही पुल खोल दिया। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। इस वजह से हम पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं करा पाए। कंपनी की मनमानी थी जी, उन्होंने खोल दिया। सेफ्टी ऑडिट हमने कराया नहीं, खुद मान रही है म्युनिसिपैलिटी। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मोरबी कोई 7 समंदर पार एंटार्क्टिका में है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा, आपसे इजाजत नहीं ली। 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के MD जयसुख पटेल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुल को चालू करने की घोषणा की। सो रही थी म्युनिसिपैलिटी। क्या बात, ये बात है। सो रही थी गुजरात सरकार, सो रहे थे मंत्री। आप बोल ले। 136 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है जफर इस्लाम? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए संदीप जी, ये बहुत दुखद घटना है और मैं सबसे पहले आपका डिबेट शुरू हो उससे पहले मैं जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको संवेदना अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से भेजना चाहता हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। काफी दुखद है और ऐसे में इस वक्त मुझे लगता है कि ना तूतू मैं ना राजनीति का समय है। अच्छा, बात जो आपने सवाल उठाया उसका मैं जवाब
बड़े संवेदनशील तरीके से दूंगा आज, इसलिए कि ये मामला जो है जाहिर है ये हादसा हुआ है और हादसा दुखद है। ठीक है, इसमें कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपने अपनों को खोया है और इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी। अबे साले, और चूक रही होगी। हादसा आप बता रहे हैं, हादसा होता है कि तैयारियां पूरी हों, कुछ हो गया, कुदरती हादसा हो गया, कोई मानवीय भूल हो गई, हादसा उसे कहते हैं। ये तो आ बैल मुझे मार, तैयारियां की जा रही थी क्या कि लोगों की मौत होगी? ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, ना म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत, ना वहां पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? मैं जवाब दे देता हूं। संदीप जी, ये पूरे मामले की जांच के लिए देखिए, अभी दो चीजें हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं इस हादसा को हुए, 24 घंटे हुए हैं बस, 24 घंटे। सबसे पहले प्राथमिकता जो हमारे सरकार की थी वो होनी भी चाहिए किसी संवेदनशील सरकार की, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी प्राथमिकता थी। 18 मिनट के अंदर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, उनको जो बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुआवजा की बात बाद में करेंगे, वो तो आपने अनाउंस किया, लेकिन वो ठीक है, उसका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज कराना, वो प्राथमिकता थी, हमने वो प्राथमिकता की दी। चाहे गृह मंत्री हो स्टेट के, नौबत कैसे आई जफर भाई, सवाल ये है, ये नौबत यहां पर क्यों आई? अरे बताता क्यों नहीं है? अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ ही रहा हूं, आपका सवाल सुन लिया। एक ही सवाल को अगर 10 बार करेंगे तो सवाल बदल नहीं जाएगा, जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके ही बात पे जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये हादसा हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दूसरी चीज जो जरा प्राथमिकता थी सरकार की, ये हादसा कैसे हुआ जो आप कह रहे वो, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसमें। 26 तारीख को पुल खोल दिया जाता है और रेवा कंपनी का एमडी बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। म्यूनिसिपैलिटी को, गुजरात सरकार को, कंसर्न मंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। मासूम इनोसेंट लोग, पर्यटक वहां चले जाते हैं, उनका टिकट काटा जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग मावल, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, गुजरात टूरिज्म की साइट पर 5 दिन रेनोवेशन के 5 दिन बाद यह पुल टूट जाता है। बात की तनख्वाह लेते तुम लोग, एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी मुझे लगता है आपको। देखिए, जांच तो होगी और गहराई से जांच होगी। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बता। और जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा। आपने खुद जिक्र किया कि धारा जो लगाई गई 304, उससे आपको गंभीरता सरकार किस गंभीरता से इस पूरे इश्यू को ले रही है वो आपको दिख रहा है। चल झूठा, मैं सिर्फ छोटी छोटी मछली पकड़ ली। ये ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा कैसे दे दिया, किसने दिया, क्या ये इसकी जांच होगी? नहीं। अरे भाई, जांच हो रही तो सभी चीज जांच होगी। करार जो हुआ है, अग्रीमेंट जो है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और उस कंपनी के बीच में, वो भी जो है दस्तावेज देखे जाएंगे। हकीकत की बात देखिए, दो चीज है जो जरूरी है कि सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई है, एसआईटी बनाई है, गठित किया है, जिससे अब इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सब दोगलापन है। और मैं दो बात कहूंगा बहुत अहम। पहली बात कि जो लोग, आप छोटी मछली बड़ी मछली नहीं, उस वक्त मैं तो मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। अरे भाई, आप सुन तो लीजिए, बीच बीच में कितना बार टोकिएगा, आप ही बोल लीजिए, उसके बाद बोल लूंगा, तो बार बार तोड़ने में क्या फायदा। अबे साले, जिन लोगों ने बोल लिया, खोया है उन्हें ये धैर्य रखने की सलाह और नसीहत दीजिएगा जफर भाई। गजब बेइज्जती है। तो आपके कहने से क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? आपको सुनना भी तो पड़ेगा जो सवाल कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि आपने सवाल किया, उसका जवाब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई नया न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं गुजराती गवर्नमेंट ने लाया। देश के हर सर सरकार में पीओटी और बीओटी जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है घड़ी बनाने वाली कंपनी को। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी वो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त आगे
आउटसोर्स कर देती है इस ठेके को भी, वो जिंदल ग्रुप को दे देती है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन होगा, अब छोटे और बड़े बैल की बात नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कौन हो, जो जिम्मेदार होगा उसको दंडित किया जाएगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। जो लोग उस वक्त, अगर कोई कंपनी जिसको मैनेजमेंट के लिए दिया गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उस कंपनी में जो जिम्मेदार थे वहां पर, अगर टिकट काटने वाले या सिक्योरिटी वाले या मैनेजर जो थे वो उस वक्त तैनात किए गए थे उनको देखने के लिए, या मालिक जो थे उनको सबको हिरासत में लिया गया है। गुजरात सरकार कितनी चुस्त है, कितनी सजग है, कितनी सहज है, इसका अंदाजा इस बात से क्या नहीं लगता? 26 तारीख को बाकायदा जयसुख पटेल जो ओरेवा ग्रुप के MD हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं पुल खुल गया। 5 दिन बाद हादसा हो जाता है, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी को जानकारी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उन पर कोई FIR नहीं, नहीं। देखिए मैं संदीप जी, मैं कोई रूल आउट नहीं कर रहा हूँ किसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन इसीलिए होता है ना कि जिम्मेदारी को, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए सरकार। नहीं धैर्य, मैं बहुत धैर्यवान हूँ। धैर्य आपके नेता नहीं रखते हैं। प्रवेश वर्मा 2 दिन पहले का वो वीडियो ध्यान है, यमुना के घाट पर चले गए और वहां पर जो फॉर्म FDA द्वारा मंजूरी दिया हुआ और केंद्र सरकार ने जिसकी हामी भरी, वो केमिकल डाला जा रहा है कि जी लाखों लोग अभी छठ के पर्व पर डुबकी लगाएंगे, तेरे सर पे डाल दूं, तू नहाएगा इसमें, तू तड़ाक वाली भाषा, तब तो जिम्मेदारी बहुत जल्दी तय हो गई थी। और ये फैक्ट भी है कि गुजरात में अभी भी जो सरकार अपने कदम उठा रही है उससे एकदम साफ साफ दिख रहा है कि जो इसमें दोषी हत्यारे कंपनी वाले लोग हैं उनके वरिष्ठों से साथ BJP की स्थानीय सरकार की मिलीभगत है। दूरा भी संधि है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी बड़े, जिन लोगों ने जो इसके मालिकान हैं जो डायरेक्टर हैं उनको ऊपर अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जिनके कारण यह सब हुआ। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? और यह सरकार कैसी है कि एक कंपनी का मालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि ब्रिज खुल गया और स्थानीय प्रशासक बता रहा है, अधिकारी बता रहे, जब हादसा होने के बाद कि हमें पता नहीं था, परमिशन नहीं ली गई थी, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद उस ब्रिज को ओपन जो किया गया था उसको रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। जब तक उसकी जांच ना हो जाए, पड़ताल ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग ना हो जाए, तब तक के लिए तुरंत उस अधिकारी किस लिए हैं? कैसे उनको जानकारी नहीं हुई कि बिना उनके परमिशन से आज वो बड़े मासूम बन के कर रहे हैं? इन अधिकारियों पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? ठीक इसी तरीके से बंगाल के अंदर एक पुल गिरा था और प्रधानमंत्री जी उस वक्त चुनाव के मौसम में वहां पे थे और ने बोला ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है दीदी। टपा डप टपा डप टपा डप, मालूम ना। और ये भी कहा कि इस तरीके का जो ये काम हुआ है ये भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश है उस राज्य की सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में। मैं चौधरी साहब, संदीप जी, मैं आपको ये बताऊं, इस पुल के लिए 15 साल का काम बिना किसी टेंडर के इस प्राइवेट कंपनी को दिया गया, बिना किसी टेंडर के, जो कि CVC गाइडलाइंस के बिल्कुल अलग है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बिल्कुल अगेंस्ट है, 1 रुपए का काम भी सरकार जो है बिना टेंडर के नहीं दे सकती। इन्होंने एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को यह काम दिया। यह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है और इनकी डोनर है, इनसे डोनेशन भारतीय जनता पार्टी लेती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब वहां के DM ने इसका विरोध किया कि आप ऐसे बिना टेंडर के कैसे इस कंपनी को दे सकते हैं, तो कल हम प्रेस वार्ता करके इनके उस नेता का नाम उजागर करेंगे भारतीय जनता पार्टी। कर दीजिए ना, बहुत वरिष्ठ, सबसे बड़ा सवाल में कीजिए ना, गोपाल इटालिया जी करेंगे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदीप जी, वहां पे गुजरात का मामला है इसलिए वो करेंगे। अब मैं उनको बाईपास करूं ठीक नहीं लगता, मैं आपकी बात समझता हूं, आप ठीक कह रहे हैं,
बहुत बड़े नेता हैं इनके गांधीनगर के, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका भी खुलासा करेंगे, उनके दबाव में ये ठेका बिना किसी टेंडर के इनको दिया गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ क्या हुआ आप संदीप जी, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही वो पुल गिरा कल शाम को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ट्विटर पे एक्टिव हैं, उन्होंने एक 2 साल पुराना वीडियो जो है ट्विटर पे डालना शुरू किया। और उसके पीछे क्या मंशा थी आप समझिए संदीप जी। पहली मंशा ये थी कि इस घटना के पीछे कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई सरकार, किसी प्राइवेट कंपनी की गलती नहीं है, इसमें गलती उन 134 लोगों की है जो मर गए। देश संकट में है, क्योंकि जो वहां झूल रहे थे। और ये तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश को, देशवासियों को फेक न्यूज के को लेकर आगाह कर रहे हैं जी, कि फेक न्यूज के बुलावे में ना आइए। और ठीक किया आपने, ये जानकारी मुझे देनी चाहिए थी दर्शकों को कि वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 2 साल पुराने हैं, उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। आप संदीप जी इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ तो संस्कृति के अंदर कोई बुरा आदमी भी अगर मर जाता है तो हम कहते हैं यार अब वो मर गया, उस पर आरोप मत लगाओ। यहाँ पे जो लोग बेचारे मर गए 134 लोग, उन पे आरोप लगाने के लिए 2 साल पुराना वीडियो भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करा रही है अपने नेताओं से कि साहब किसी की गलती नहीं है, उन 134 लोगों की ही गलती है, उन्होंने बेवकूफी करी इसलिए वो मारे गए। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? दूसरी बात, उनके जो परिवार वाले हैं वो कल को सरकार से सवाल पूछें, इनके ऊपर जो है वो मुकदमे करें, उन्हीं को शर्मिंदा कर दिया कि भाई आपके जो रिश्तेदार गुजरे हैं वो अपनी गलती से गुजरे हैं, इसमें किसी और का दोष नहीं है। इसका मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सफर इस्लाम, सीधा आरोप सौरभ भारद्वाज का, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बिना टेंडर जारी किए एक कंपनी को जो आपकी पार्टी से नजदीकी बनाए हुए है उसे ठेका दे दिया गया, और ये CVC नॉर्म्स के खिलाफ है। देखिए सौरभ भारद्वाज जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात काटी तो वहां पर ऐसा हुआ है गुजरात में की बाजार यानी ठेकेदार और सरकार दोनों एक हो गए हैं, दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं, इसीलिए छोटे छोटे जो अधिकारी जो होते हैं, जो जनसेवा जो होते हैं सेवाकर्मी, इनको कोई पूछता ही नहीं है। ऊपर गांधीनगर से आपने आप वाले से भी सुना कि गांधीनगर से कोई फोन आया और खोल दे, वैसे इसमें ऐसा ही होता है कि छोटे मोटे अधिकारी का कुछ चलता नहीं है, क्योंकि बाजार और राज्य दोनों एक हो गए हैं, इसलिए जो करप्शन का सिस्टम बदला गया है, इनके इनका जिम्मेवार सिस्टम है, क्योंकि इनमें परसेंटेज रहती नहीं है ना। ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ में आता है, 300 करोड़ चले जाते हैं, 100 करोड़ का काम नहीं होता है, तो कुल मिलाकर जो भ्रष्टाचार का सिस्टम बदला है, इसलिए कोई परमिशन की आवश्यकता ही नहीं रहती है। खुद कह रहा है जो चीफ ऑफिसर है झाला, वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुझे तो मालूम ही नहीं है, 5-6 दिन से 12-13 हजार लोगों ने विजिट कर लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर भी वो नकार रहा है। इसका मतलब यही है कि राज्य और बाजार दोनों मिलकर लूट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस हादसे का प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है संदीप? अभी आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे चल रहा है कि 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कहा बड़ा स्विफ्ट एक्शन हुआ है। पुलिस ये भी कह रही है बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। क्या बात? मैं बुलडोजर सिस्टम का, बुलडोजर जस्टिस का हिमायती नहीं हूं, लेकिन ये जयसुख पटेल हैं जो FD, कहां है वो? गया। सबसे पहले कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। तो पहला कंपनी के MD, दूसरा मिस्टर झाला म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, और अंत में सरकार। द बक स्टॉप्स एट द टॉप। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।